حقیقت ظلم پر گفتگو کی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اور ان کے ایمان پر ظلم کا داغ نہیں آیا, ان کے دامن ایمان کو ظلم نے
गर्दालूद नहीं किया, उनके लिबास ईमान पर जुल्म की नजासत जहां नहीं आई। उलाएक लहुमुल आमन, आमन उन्हीं के लिए, व उलाएक हुमुल मुहतदून, हिदायत याफ्ता वही है। हिदायत याफ्ता यही है। ये सूरह अनाम की आयत है, सिलसिला हजरत इब्राहिम के एहतजाजात का है, और जहां हजरत इब्राहिम अपनी कौम से कह रहे हैं कि मैं मुवहिद हूं, मैं बातिल के खुदाओं से नहीं डरता, और तुम चूंकि मेरे मालिक से, मेरे पैदा करने वाले से नहीं डरते हो, इसलिए तुम में और हम में समझौता तो किसी बात पे हो ही नहीं सकता, बजुज इसके कि तुमको अमन मयस्सर नहीं है। तो अय्युल फरीकैन अहक्कु बिल अमन इन कुंतुम तअलमून, बताओ अगर तुमको इल्म है कि हम दोनों फरीक, क्या हम दोनों अमन के सजावार हैं कि तुम कई खुदा को मानो और मैं एक की परस्तिश करूं? अमन किसके लिए है? और उसके साथ ही रिशाद हुआ, वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दामन ईमान को जुल्म ने मस नहीं किया, आमन उन्हीं के लिए है। मामून वही हैं, हिदायत याफ्ता वही हैं, सही रास्ते पर चलने वाले वही हैं। आज सारी दुनिया में ये एक अहम तरीन मसला बना हुआ है। सियासी जमातें अगर इस मसले को अपनी फिक्र की बुनियाद बना लें तो वजह है, मजहबी जमातें अगर इसको फिक्र मजहब की असास करार दें तो यकीनन सही है। फलसफा अगर इसको अखलाकियात की जान करार दे तो नामुनासिब नहीं है। बहरहाल जुल्म हर एतबार से कबी है। जुल्म अकलन बुरा है, किसी मंजिल पर जुल्म की इजाजत नहीं दी जा सकती, और खुदा जुल्म को पसंद नहीं करता। आज हम एक ईसाले सवाब की मजलिस में शरीक हैं, और जिसके ईसाले सवाब की मजलिस में हम शरीक हैं उसको एक बरस पहले हुकूमत इराक ने सूली दे दी थी, और वो हम ही में से था। वो दिन और आज का दिन, तकरीर करने से पहले मैं रेडियो पे सुन के आ रहा हूं कि इस वक्त सारे इराक में एक हंगामा है, इस वक्त और मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं, और इराक और ईरान के ताल्लुकात टूट चुके हैं, सिफारतें वापस बुलवा ली जा चुकी हैं, एक दूसरे के सफीर तलब किए जा चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अपने मजालिम पर पर्दा डालने के लिए दूसरी हुकूमतों को बदनाम किया जाए। बहरहाल हमारा मौजू सियासी नहीं है,
हम अपने एक दोस्त की याद को ताजा रखने के लिए यहां जमा हैं, और इस सिलसिले में अगर हमारे दिल और दिमाग की हिदायत हो सकती है तो हम उसको गनीमत जानेंगे। मैं बहस को तो शुरू करता हूं, मगर मैं नहीं समझता कि जो वक्त मुझको मयस्सर है मैं उसमें तकरीर को खत्म कर सकूंगा। उनवान तो आपके समझ में आ गया, मैं इतवार को सुबह को 10 बजे फिर यहीं तकरीर करूंगा, और ये सैफ शाहजानी मरहूम के सिलसिले की मजलिस है, उनका बड़ा एहसान है हम पर, इसलिए ये गुफ्तगू उस दिन भी रहेगी आने वाले इतवार को। इस वक्त चंद बातें आपके पेश नजर हैं मेरी मजलिस में। मेरे अजीज और मेरे हमकार उलमाए गिलगित भी बैठे हुए हैं, वो अलग अपनी फरियादें लेकर आए हैं कि उन उलमा, और इस सिलसिले में वो एक जलसा आम करेंगे। जाहिर है वो भी एक सियासी गुफ्तगु होगी, मैं उसमें भी दखल नहीं दूंगा। लेकिन है ये बात कि वो किसी किस्म का निजाम हुकूमत हो, अनार्की हो, मनार्की हो, शख्सी सल्तनत हो, जमहूरियत हो, आमेरियत हो, या चंद सरी हुकूमत हो, अगर कहीं भी जुल्म आ जाए तो वो निजाम हुकूमत बदल दिए जाने के काबिल। ये एक अजीब बात, ये यही नहीं है कि शख्सी हुकूमत में जुल्म नहीं होता, यही नहीं है कि जमहूरियत में जुल्म नहीं होता। अगर जमहूरियत में जुल्म नहीं होता तो आज हर सियासी पार्टी पाकिस्तान में इस तरह से फरियाद नहीं करती कि हम ये हुकूक दिलाएंगे, ये हुकूक दिलाएंगे, ये हुकूक दिलाएंगे। बहरहाल हर तरफ से फरियादें और हर तरफ से आवाजें बुलंद हैं, और बहरहाल शाम से जब ये गिलगित के अहबाब मेरे पास आए तो मुझे बेइंतहा सदमा हुआ, इसलिए कि सैयद उलमा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस दौर में जबकि शख्सी हुकूमतों का कोई मकाम नहीं है, पाकिस्तान ही में एक रियासत अगर इस तरह से अमल पैरा हो तो वो हद दर्जे काबिल नफरत है। और इस सिलसिले में जाहिर है कि उलमाए गिलगित जो यहां तशरीफ लाए हैं वो भी अपने तरीक़ेकार को पेश करेंगे, और आप हजरात भी सुनेंगे जो कुछ होगा। जाहिर है जब फरियादों को बुलंद करना है तो बाहर सूरत बुलंद करना है, इसलिए कि एक ही सूरत है कि खबरदार किसी को बुरा ना कहो, खबरदार किसी को बुरा ना कहो, और फिर पुकार के बुरा कहना तो और बुरा है। मगर अल्लाह ने उसकी भी इजाजत दे दी अगर वो मजलूम है। आपने देखा, मजलूम को इजाजत दे दी गई है कि पुकार के बुरा कहो। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, खुदा पसंद नहीं करता है पुकार के बुरा कहने को, लेकिन इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जब मजलूम किसी को बुरा कहे तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इसलिए कि जुल्म करने वाले ने मजलूम को हक दे दिया है बुरा कहने का। जुल्म करने वाले ने मजलूम को हक दे दिया है कि वो बुरा कहे। बात दूर तक जाए,
جہاں جہاں تاریخ میں ظلم ہوا ہے اور جہاں جہاں تاریخ میں مظلوم مرتسم ہے, جہاں جہاں مظلوم ارتسام پاتا ہے, وہاں اگر وہ مظلوم ظالم کو ناسزا کہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اور پھر قرآن جس کی تلاوت کا اتنا ثواب ہے, وہاں بار بار ظلم پر لعنت ہے, اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, بار بار وضاحت کے ساتھ کہ ظلم کرنے والا رحمت خدا سے دور ہے. تو آپ نے آج یقیناً سنا ہوگا, بی بی سی کو سنا ہوگا, پاکستان کے ریڈیو کو سنا ہوگا کہ اس وقت کیا عالم ہے عراق کا. مطلب یہ کہ خون بہا کر اس پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی, خون بڑا سیال ہوتا ہے, دیکھنے کو جم جاتا ہے مگر ہوتا ہے بڑا سیال, اور جب موجے مارتا ہے تو حکومتوں کو الٹ دیتا ہے. جب طوفان کی صورت میں آتا ہے تو بنی امیہ نہیں رہتے, بنی عباس نہیں رہتے, ساسانی نہیں رہتے, سامانی نہیں رہتے, صفاری نہیں رہتے, طاہری نہیں رہتے, سلجوقی نہیں رہتے, مغلیہ تاجدار نہیں رہتے, اس لیے کہ خون مواج ہے اور وہ خون برابر الٹتا جائے گا جب تک کہ کوئی پردہ غیبت سے باہر نہ آئے. بہرحال یہ سمجھ کے تقریر کو شروع کیا جا رہا ہے کہ آپ بنیاد سے واقف ہیں, بنیاد سے واقف. مامون رشید نے امام رضا صلوات اللہ علیہ وسلم کہ ابن رسول اللہ قرآن نے امامت کے لیے شرط کیا لگائی, قرآن نے امامت کے لیے شرط کیا لگائی ہے, ارشاد فرمایا مامون قرآن نے قیامت تک کے لیے ہر ظالم کی امامت کو حرام قرار دیا. لا ینال عہد الظالم انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد امامت ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچ سکتا, ظالم امام نہیں ہوتا. طے ہوا, ظالم امام نہیں ہوتا, ظالم کو امام اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ دوسروں کو نماز پڑھائے. اس لیے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے فقہ کا کہ جہاں شرط ہے اجازت ہے امام کی نماز میں, کہ جب تک امام سے اجازت نہ ملے یہ نماز نہیں پڑھا سکتا ہے, کچھ ایسی نمازیں بھی ہیں وہاں امام کے پیش نظر یہی ہے کہ عادل ہے کہ نہیں, اور جس کو امام عادل جانے, جس کو امام عادل جانے مسئلہ پھیل جاتا ہے. بہرحال امامت وہاں ہے جہاں ظلم نہیں ہے, وہ امامت کائنات کی ہو یا امامت مسجد کی ہو, وہ امامت نماز کے دوران میں ہو یا امامت خلق الہی کی ہو, عدالت لازم ہے, ظلم اور امامت ساتھ نہیں جاتے. اور پھر
हम तो उनके मानने वाले हैं कि जहां जुल्म को इस पूरी तरह से पेश किया गया खुतब में, मवाइज में, हिकम में, कलमात में, उठते बैठते चलते फिर कि नहजुल बलागा भरी हुई है फकत इरशादात। शायद किसी मौजू पर इतनी ज्यादा गुफ्तगू अमीर मोमिनीन ने की हो, खुतबा शख्शकिया से लेके कलमात खिसार तक हर वक्त यही गुफ्तगू की कि जहां जुल्म हुआ है वहां मजलूम ने सब्र किया, मजलूम ने सब्र किया, जुल्म तो बाकी नहीं रहा, सब्र रह गया। मगर इस बाकी रहने वाले सब्र ने जुल्म को हमेशा के लिए काबिल लानत करार दिया। उम्मीद फरमाते हैं कि मैंने देखा हराओ तुराओ सी नाबाओ, मैं देख रहा था मेरी मीरास लुट रही थी। खुदा शख्शकिया, अराओ तुराओ सी नाबाओ, फ सबर तू, मैंने सब्र किया। वफिल अईन कजा वफिल हल्क शजा, मेरी आंखों में कांटे थे, मेरे हल्क में फांस थी, मैं सब्र कर रहा था और दुनिया मुसलसल हक के खिलाफ काम कर रही थी। इतना सब्र किया कि जवान बूढ़ा हो जाए, इतना सब्र किया कि रात दिन में बदल जाए, दिन रात में बदल जाए, नूर तारीकी में बदल जाए, इतना मैंने सब्र किया। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाते हैं खुतबे को खत्म करके कि तिलकद दारुल आखिरह नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ वला फसादा वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन, और आखिरत तो उनके लिए है ही नहीं जो जमीन में फसाद करे। आखिरत उन्हीं के लिए है जो जमीन में फसाद न करें और साहिबाने तकवा हूं। वल्लाही लकद समिऊहा वउहा, ये लोग इस आयत को सुन चुके थे, इस आयत को पढ़ चुके थे, इसके बावजूद इन्होंने इस आयत की रियायत नहीं की। मकाम आदल और अली, नाज है हमको, नाज है हमको कि अली के बदतरीन क्रिटिक ने भी, अली के बदतरीन नक्काद ने भी अली के दामन पर यह इल्जाम या ये दाग नहीं डाला कि अली ने जुल्म किया। अली के बदतरीन नाकिद ने, क्रिटिक ने, तबसरा करने वाले ये नहीं कहा कि अली जुल्म करते थे। इस बात से हमको नाज, और फिर वो जुल्म क्या करे जो ये कहता हो कि वल्लाही खुदा की कसम लौ उसीतुल अकालीम सबा बेमा तख्त अफला के हा, मुझे अगर सातों अकलीम दे दिए जाए और उनके आसमानों के तहत जो कुछ है वो भी अगर दे दिया जाए, वल्लाही लौ उतीतु अकालीम सबा बेमा तख्त अफला के हा, अन आसी अल्लाह फी नमलतिन
اطلبها سلب شعيره ما فعلتو صرف اس لیے کوئی مجھے اگر سات اقلیم کی حکومت دے دے کہ چونٹی کے منہ سے میں اس چھلکے کو چھین لوں کہ جس کو اس نے اپنے منہ میں تھام رکھا ہے, تو خدا کی قسم یہ کام میں نہیں کروں. بڑی قوت دل کی ضرورت ہے, یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے. بڑے بڑے نقاد بیٹھے ہوئے تھے کوفے کی مسجد میں خطبے کے سننے والے, وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تعلی ہے, یہ مبالغہ ہے. نہیں, دنیا علی کی فطرت سے واقف تھی کہ خدا کی قسم علی ایسا نہیں کریں گے. اگر ان کو سات اقلیم کی حکومت دی جائے تو جب بھی یہ ایک چونٹی کو نہیں ستائیں گے. کیوں؟ ارشاد فرمایا ان دنیا کو محاذا احوان اندی من ورقت فی فرفم جرادت تغزمها. تمہاری یہ ساری دنیا, تمہاری یہ ساری دنیا میرے نزدیک اس کیڑے کے منہ کے پتے سے زیادہ کم قیمت ہے جس کو وہ چاپ کے تھوک دیتا ہے. الفاظ کو دیکھیے, احوانو من ورقتن فی فم جرادتن تغزمها. جرادہ لکف, ٹڈی دل, وہ چھوٹا سا کیلا جو پتوں کو کھاتا ہے اور پھر تھوک دیتا ہے. کہ وہ تھوکے ہوئے پتے سے زیادہ علی کے پاس تمہاری دنیا کی قیمت نہیں ہے. مولا علی وہ نعیم یفنا, مولا علی ولذت لا تبقى. علی کیا کرے گا ان نعمتوں کو لے کے جو فانی ہونے والی ہیں, علی کیا کرے گا ان لذتوں کو لے کے جو باقی نہیں رہنے والی. کوئی ہے, کوئی ہے اس قسم کی گفتگو کرنے والا؟ واللہ لان ابی تعالی حسک السعدہ نے مصحدہ و اجر فی الاغلال مصفدہ احب الی من القى اللہ و رسوله فی یوم القیامت ظالما لبعض العباد. خدا کی قسم علی کو رات بھر کانٹوں پہ سلا دو, خدا کی قسم علی کو سر سے لے کے پیر تک زنجیریں پہنا دو, علی کو پسند ہے بجائے اس کے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ظالم مشہور ہوں. مشہور خطبہ ہے, عقیل کو بٹھا کے یہ خطبہ دیا ہے نہج البلاغہ. خطبے کا نشان 222. آپ نے دیکھا, مگر امیر المومنین فقط یہی نہیں ہے کہ اپنے مقام عدل کو بتلا رہے ہیں, بلکہ کچھ اور بھی منزلیں معین کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں. علی فرماتے ہیں یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم. عجیب جملہ ہے, آپ یاد رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. مظلوم پر جس دن ظلم ہوا اس دن سے زیادہ سخت دن وہ عدل کا دن ہوگا جو ظالم پر آئے گا. کاش آج سمجھ سکتے. یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم. مظلوم پر جس دن ظلم ہوا تھا, ہوا تھا, وہ تڑپ رہا تھا, مگر اس سے زیادہ سخت وہ دن ہوگا جب ظالم سے بدلہ لیا جائے گا. جب ظالم سے بدلہ لیا جائے گا حکومتیں کو
कुछ इंसानों की जान ले लेती हैं, मगर फिर हुकूमतों की नींद उड़ जाती है, हुकूमतों की नींद उड़ जाती है, हुकूमतों को कहना पड़ता है माली वलिल हुसैन, मुझको हुसैन से क्या काम था, मुझको हुसैन से क्या काम था। आज खबर आए, कल खबर आए, दो दिन में खबर आए, अभी तो एक ही साल हुआ है, एक साल में 7 मर्तबा हमला हो चुका है। जैसे जैसे हम रेडियो को सुन रहे हैं, आज का हमला तो शदीद तरीन है, मालूम नहीं और कितने आदमी मुलव्वस होंगे। अब तक 36 आदमी को सुबह से लेकर इस वक्त तक सूली दी जा चुकी है, मगर यह है कि इंतकाम यह नहीं कि उस एक मरने वाले का जिसका ईसा अलैहि सलाम के लिए आप जमा है, नहीं, जहां जुल्म आदत बन जाए, जहां जुल्म आदत बन जाए, वहां आदती जालिम मिजाज आदिल को नहीं समझ सकता, उसके जहन ही में नहीं है कि आदिल क्या चीज है, आदिल क्या चीज है। वक्त वाहिद में किसी पर जुल्म कर देना अपने इख्तदार के साथ, अपने इस्तेदाद के साथ, अपनी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने रुपए के साथ, अपने आदमियों के साथ बड़ा आसान है। किसी आदमी को चलते हुए पिटवा दीजिए अगर रुपया है, या बजाहिर आसान है, मगर अंजाम कभी सोचा भी? अंजाम यही कि अगर उस इंसान ने जिस पर जुल्म हुआ है, अगर उसने सब्र का मुजाहरा किया है, सुकूत का मुजाहरा किया है, खामोशी का मुजाहरा किया है, सब्र से अगर वो झेल गया, तो फिर बला दूर नहीं है। काश आप समझते, बला दूर नहीं है। पूछने वाले ने पूछा, ये अली जमीन से आसमान तक फासला कितना है, जमीन से आसमान तक फासला कितना है, बड़ी दूर का बात फासला है। पूछा तुम्हें, कुछ नहीं, आहे मजलूम का फासला है, एक मजलूम की आह का फासला, जमीन से आसमान तक एक मजलूम की आह का फासला है, तो बला दूर नहीं है। कब आए और फिर मुंतकिम हकीकी कभी इंतकाम में जल्दी नहीं करता, मुंतकिम हकीकी कभी इंतकाम में जल्दी नहीं करता, और जब जल्दी नहीं करता है तो जालिम को और डरना चाहिए। इन बातों को आप समझेंगे, मुंतकिम अगर इंतकाम में जल्दी ना करे तो जालिम और डरे कि किस किस को घेर रहा है। आपको मालूम है कि नाक़े सालेह को पाए करने वाला फकत एक आदमी था, मगर पूरी कौम को उलट दिया गया। अमीर मोमिनीन से पूछा गया कि मौला क्या बात है, नाक़े सालेह को तो एक ने पाए किया था। इरशाद फरमाया, इसलिए पूरी कौम को हलाक कर दिया गया कि पूरी कौम कातिल के फेल पे राजी हो गई, राजी हो गई थी। तो आपने देखा कि अगर मुंतकिम रुक रहा है तो यह देखने के लिए रुक रहा है कि और कौन कौन राजी है। अब अजाब एक पे नहीं आएगा, एक पे नहीं आएगा, पूरी कौम पर अजाब, पूरी कौम उलट जाए। इसलिए
हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देर हो गई, बदला नहीं लिया गया। नहीं, देर नहीं हुई, देर नहीं हुई, दायरे को बढ़ाया जा रहा है इंतकाम के, दायरे को इंतकाम के बढ़ाया जा रहा है। और जब उलटती है दुनिया तो उस वक्त आप खुदा की कसम कभी आप अंदाजा नहीं कर सकते, जब तक कि आप तारीख के सफहात को एक एक बार दीगरे गौर से पढ़कर न उल्टे। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत थी ज़ारे रूस की, चुटकियों में उलट दिया। दुनिया में सबसे बड़ा एम्पायर था बिजेंटाइन एम्पायर, हवा की तरह खत्म हो गया। दुनिया में बड़ी ताकत थी रोमन एम्पायर, साये की तरह निकल गया। दुनिया में 655 बरस हुकूमत रही है बनी अब्बास की, मगर एक हलाकू ने सबको खत्म कर दिया। तो इस तरह से आप कभी ये ना समझें कि भाई इतने बड़े जुल्म करने वाले इनसे कौन बदला लेगा। तो बदला लेना हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो सब्र है। मजलूम ने सब्र किया, मजलूम के दामन से लिपटने वालों ने सब्र किया और सब्र कर रहे हैं, और सब्र कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जुल्म अकलन कभी है और इल्मी मसला अगर पेश नजर रहे, जिस पर बहस शुरू होगी फिर, कि यह पहली मंजिल है कि जहां इख्तलाफ हुआ। हम में और इस्लाम के मुफक्किरीन में जहां इख्तलाफ हुआ है, नमाज रोजे में नहीं है, इख्तलाफ यहां है कि अकलन जुल्म कभी है कि नहीं। जो लोग इल्म कलाम से वाकिफ हैं वो जानते हैं अकलन जुल्म बुरा है कि नहीं। आपको मालूम है आपके मुखालिफीन ने यह कहा कि नहीं, अकलन बुरा नहीं है जुल्म, शरअन बुरा है, शरअन बुरा है। हुक्म किया शारे ने ऐसा न करो इसलिए बुरा है। इसमें कितनी राहें निकल आई इस पर फिर कभी गौर करें। मगर पहला मसला क्या किया, पहला मसला यह किया कि अक्ल को छीन लिया, यानी अक्ल को इस काबिल नहीं रखा कि अक्ल फैसला करे कि यह अच्छा है या बुरा है, बल्कि अब शरा बतलाए कि यह अच्छा है या बुरा है। वो क्यों शरा के हवाले किया, फकत इसलिए कि हामियों ने शरए मुबीन जो हुकूमतों के चश्म अबरू की गर्दिश पर फतवे देते हैं, अगर वो ये कह दें कि हुसैन का खून हलाल है तो वो जुल्म भी यजीद के दामन पर दाग नहीं बनता, इसलिए कि काजी शुरह का फतवा था। आप देख रहे हैं शरा के हवाले इसलिए किया कि शरा फतवा दे दे, मगर शरा के फतवे से क्या दरबार की फिजा यजीद के हमवार हो गई। अब्दुल वहाब सफीर रूम ने कहा खड़े होकर कि यजीद ये किसका सर है, ये तख्त किला में सर किसका है। उसने कहा हुसैन का। यजीद अरब में कायदा नहीं है कि किसी का नाम तन्हा ले जब तक कि उसके बाप का नाम न लिया जाए, तो यजीद ने बाप का नाम नहीं लिया, कहे फातिमा के बेटे का सर। उसने कहा यजीद फातिमा मोहम्मद की बेटी। क
रसूल की बेटी, ये रसूल के नवासे का सर है। यजीद चुप हुआ। उसने कहा अमीर मेरा सिन 80 के करीब है, मैं इसी सिफारत के कारोबार में मदीना पहुंचा हुआ था, तो मैंने इसी हुसैन का बचपन देखा है कि इसका नाना कभी इसके दहने अकदस के बोल से लेता, कभी इसके गले के बोल से लेता, कभी इसके पेशानी के बोल से लेता, और ए यजीद आज तू छड़ी रख रहा है। حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي وسيدي ومولاي وربي خدا وندا واسطا محمد وآل محمد کا مرحوم کو جوار معصوم عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے علماء کی حفاظت فرما، تعجیل فرما.